खूब प्रसन्ना है कारण जस्ट बिफोर ही आरती से जस्ट पहले मैं वो हिस्ट्री म्यूजियम भी देख के आई हूँ. एंड आई थिंक हमारे देश में अभी हम लोग इतने फ्रीली घूम रहे हैं एंड ये फ्रीडम मिलने के लिए क्या क्या लोगों को करना पड़ा वो सब मैं हिस्ट्री म्यूजियम में जान के आई हूँ. तो वो और वो देशभक्त की भावना जागी है अंदर. एंड ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मूर्ति है. ये मूर्ति के पीछे वाली स्टोरी भी बताई कि क्यों गणेश जी ऐसे यू नो वो हथियार पकड़ के हाथ में, बिकॉज वो क्रांति का मूर्ति है. तो बहुत अच्छा लगा. सगल्याना आई वॉन्ट कि सब लोग खुश रहे एंड बिकॉज आसपास के लोग अगर खुश नहीं है ना, आई थिंक कि अगर सब सिर्फ अपने लिए हम लोग खुशी मांगे ना तो हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते. बिकॉज फिर हम लोग अगर बाहर के लोग खुश नहीं है तो हम लोग कभी खुश नहीं रहेंगे. तो आई होप कि सब लोग खुश रहे ताकि मैं भी खुश रह सकूँ. हाँ, सगले लोग खूब एक्साइटेड आहे आणि खूप मोरिया फील सो नाइस सेलिब्रेटिंग सब लोगों के साथ एंथुजियाज्म में अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता. हाँ, छोटे थे तो हम लोग सिद्धिविनायक जाते थे क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ. तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चल के जाती थी एंड या तो दोस्तों के घर नए कपड़े पहनते थे एंड हाँ वैसे ही मोदक खाते थे. मुझे मोदक बहुत अच्छे लगते हैं. उकड़ीचे मोदक ना आदमान, मुझे वो बहुत, मैं सब खा लूँगी. हाँ, वो फ्राइड वाले नहीं, उकड़ीचे मोदक मैं कंटिन्यूस खा सकती हूँ. मैं 20-25-30-40 मोदक माझा अर्ध पोट तर नाही भरणार. माझा मोठा ॲपिटाईट आहे. वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. जैसे जब केरला चोरी कर रहे थे तभी शायद सबके लिए वो छोटी फिल्म होगी बिकॉज सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि हीरो कौन है उसमें. और मुझे लगा इट्स सच अ बिग स्टोरी हम लोग बना रहे हैं कि यू नो ये लड़कियां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आईसिस. तो मुझे तभी रिलीज से पहले ही बहुत बड़ा फिल्म लगा. रिलीज के बाद ऑफकोर्स फिर सबको लगा कि ये बहुत बड़ी फिल्म है. तो मैं जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ मैं अपने मन में सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. मैं गणेश जी को ये करती हूँ, कृष्ण को बोलती हूँ कि ये आपके लिए मैं बना रही हूँ. एंड मेरे लिए तो हर प्रोजेक्ट बन वो मला कराए सर. ऑफकोर्स अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा रोल चाहिए. मैं कोई भी इंडियन लैंग्वेज में करूँगी. माझे स्कूलमध्ये मराठी कंपल्सरी होता एक सब्जेक्ट. ॲक्च्युली मराठी नाही, फ्रेंच आणि मराठी देर वॉज अ चॉईस. तो माय डॅड सेड की हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यू हैव टू चूज एन इंडियन लैंग्वेज, इसलिए मराठी ठीक ठाक है.